मत खाइए सर, किसी से अगर एक रुपये खा रहे हैं तो उसे दो रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। मिर्जापुर में ललित का हाल देखे ना, ऐसे ही हाल होता है जो दूसरों के सहारे जिंदा रहते हैं, ऐसा ही हाल होता है सर। अगर आप किसी पर एक रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका एक रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। इस देश में लोग जितना अपने मां बाप को बुरा भला कहते हैं उतना किसी को नहीं कहते। एक साहब एक बार मेरे पास आए, बोले हमारे मां बाप हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मैंने कहा क्यों? बोले मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं और वो मुझे आईएएस की तैयारी नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले कोई जो है और नौकरी कर लो। मैंने कहा बुरा क्या कह रहे, क्या करते हैं? बोले पिताजी हमारे चपरासी हैं। मैंने कहा इतना बड़ा कर दिया वो एहसान नहीं है? यही एक देश है जहां सांड को भी पाला जाता है। 30-30 साल के लोग मां बाप से खर्चा लेते हैं और लड़कों को तो कोई हक नहीं है। 30 साल उम्र हो गई, पापा पैसा भेज रहे तैयारी करने के लिए, इनको बांध के मॉरिशस भेजो, साउथ अफ्रीका भेजो, इनसे बंधुआ मजदूरी कराओ। 30 साल हद से हद 25 साल। आप 30 साल के हैं तो आपके फादर रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। किसी का खाइए मत सर, बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो किसी दिन किडनी मांग लेगा आपकी। खिलाएगा पिलाएगा, जूता पहनाएगा, नाइक का रेडॉस का। या नेता लोग क्या कहते हैं, भाई है हमारा। नेता के साथ जो दो चार लोग टहलते हैं, कभी नेताजी से पूछे कि नेताजी ये कौन है? अरे हमारे भाई की तरह है। और किसी दिन ले आके ललित वाला हाल कर दिया। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। पराधीन सपने सुख नाही, तुलसीदास यही तो कहते हैं। जो दूसरे के अधीन है उसको सपने में भी सुख नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही। एक पक्षी है रैवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, और पक्षियों का राजा है शाहीन। शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है, शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रेवेन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाएं।